अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आप जानते हैं कि जिगर की सिरोसिस एक खामोश कातिल हो सकती है? ये बीमारी जिगर के सेहतमंद टिशू को जख्मी टिशू में तब्दील कर देती है और इब्तदाई मराहिल में अक्सर बेखबरी रहती है। हर साल हज़ारों लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं, मगर बरवक्त अलामात को पहुँच कर हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। आज हम आपको बताएँगे जिगर की सिरोसिस की वो अलामात जो आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थकावट और कमज़ोरी की। अगर आपको मुसलसल थकावट महसूस होती है या कमज़ोरी लगती है तो ये जिगर की सिरोसिस की अलामत हो सकती है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं यकगान की। आपकी जिल्द और आँखों का पीला पड़ना एक वाज़िया निशान है कि आपका जिगर ठीक से काम नहीं कर रहा है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं पैरों और पेट में सूजन होना, जिगर की सिरोसिस की एक और अलामत हो सकती है। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं बगैर किसी वजह के जिल्द का खुश्क होना और ख़ारिश हो जाना भी जिगर की ख़राबी की निशानी हो सकती है। इसके अलावा हम बात करते हैं भूख में कमी की। अगर आपकी भूख कम हो गई है या आप खाना खाने में दिलचस्पी नहीं रखते तो ये भी जिगर की ख़राबी की अलामत हो सकती है। इसके अलावा जिगर की बीमारी दिमागी फंक्शन पर भी असर डाल सकती है, जिससे दिमागी उलझन, याददाश्त की कमज़ोरी और तवज्जो की कमी हो सकती है। इसके अलावा जिगर की बीमारी की सूरत में फट्टों की कमज़ोरी और जिस्म में दर्द भी महसूस हो सकता है। ये हालत जिगर की फ़ालियत में ख़राबी की वजह से होती है, जो जिस्म के फट्टों पर असरअंदाज होती है। जिगर की सिरोसिस एक संगीन बीमारी है, मगर तशख़ीस और इलाज से इसका मौसर तरीके से मुकाबला किया जा सकता है। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से आगाह करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।